तो हाय गाइस, कैसा आप? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। तो आज मैं आपको इंग्लिश का पार्ट टू पढ़ाने वाला हूँ और आज का प्रोवर्ब है नो पेन नो गेन। इसका मीनिंग है अगर आप दर्द नहीं सहोगे तो आपको मेवा खाने को कैसे मिलेगा। मीन्स अगर आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका फल कैसे मिलेगा। उसी तरह अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से तो पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रैनीज फैबुलस किचन क्लास 7 सीबीएसई पैटर्न। तो हमने चेक पॉइंट कर लिया था, तो अब उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ऑल द सेम ही टुक टू लार्ज हेल्पिंग एंड एट मोस्ट ऑफ स्टफिंग बिफोर आई कुड गेट एंड इट। इसका मीनिंग है कि अंकल केन जो थे उन्होंने पूरी स्टफिंग अपने प्लेट में डाल दी और राइटर को कुछ मिला ही नहीं। आई लुक माई रेवेंज बाय एम्प्टिंग ऑल द एप्पल सॉस ऑन टू माई प्लेट। मीन्स उसको गुस्सा आया तो उसने पूरा एप्पल सॉस उसके प्लेट में डाल दिया। अंकल केन न्यू आई न्यू लव्ड द स्टफिंग एंड आई न्यू ही वॉज क्रेजी अबाउट ग्रैनीज एप्पल सॉस। मीन्स जो राइटर था उसे पता था कि अंकल केन को स्टफिंग जो थी बहुत पसंद थी और वो उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि राइटर ने उसको एप्पल सॉस नहीं दिया क्योंकि उसने पूरी एम्प्टी अपने प्लेट में कर दी। मीन्स सॉस को पूरा अपने प्लेट में डाल दिया। व्हेन यू आर जॉइनिंग द पेरेंट ही आस्क हेल्पफुल ओवर द जैम ट्रैक। मीन्स वो बोला कि तुम अपने पेरेंट्स के पास कब जाओगे। I may not go to them this year, I ask. When are you getting another job, uncle? Means वो पूछ रहा है, राइटर पूछ रहा है कि अंकल केन आपको और जॉब कब मिलेगी। मीन्स उनकी पहले वहां पर थी ना रेलवे गार्ड की जॉब थी तो वो उनकी मीन्स छूट गई थी, तो अब वो अंकल केन घर में ही रह रहे थे। तो वो राइटर पूछ रहा है उसको कि आपको और अनदर जॉब कब मिलने वाली है। ओ आई एम थिंकिंग टू टेकिंग ब्रेक फॉर द कपल ऑफ मंथ। मीन्स अंकल केन बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रेक ले लूँ, अभी जॉब ढूंढना बंद कर देता हूँ, दो मंथ के लिए छुट्टी ले लेता हूँ। कपल ऑफ द मंथ मीन्स दो मंथ के लिए छुट्टी ले लेता हूँ। आई एंजॉय हेल्पिंग द ग्रैनी एंड आया विद वॉशिंग अप व्हाइल वी वेयर At work, Uncle Ken would take a, इसका मीनिंग है कि अंकल केन थोड़ी देर के लिए झपकी मीन्स सोने वाले थे तो उन्होंने ऑन द वेरेंडा और स्विच्ड ऑन द रेडियो लिसन द डांस म्यूजिक ग्लेन माइलर his swing band where all the rage then। means अंकल केन जो थे जब राइटर आया और उसके ग्रैनी के साथ काम कर रहा था तब अंकल केन रेडियो ऑन कर थोड़ी देर सोने वाले थे। अब हमारा नेक्स्ट पेज। एंड हाउ डू यू लाइक यूर अंकल केन आस्क ग्रैनी वन डे As she emptied the bones from his plate into his dog's bowl, I wish he was something else, Uncle Ken, I said. Means आंटी ने ग्रैनी ने पूछा राइटर को कि तुम्हें अंकल केन पसंद है कि नहीं, और वो अपनी प्लेट लेकर उस प्लेट में जितने भी बोन्स थे वो डॉगी के बाउल में जाकर डालकर आई। He not so bad, really just eccentric. What's eccentric? इसका मीनिंग, eccentric का मीनिंग behaving badly और unusual people means दूसरों की तरह ना बिहेव करके अलग ही बिहेव कर रहे थे वो अंकल के। Oh, just a little crazy means उनका जो डॉग था वैसे ही वो क्रेजी बना कर रहे मीन्स ऐसे भाग रहे थे। तो at last crazy runs around the house, I said,
आई नेवर सीन अंकल केन रनिंग। तो राइटर बोलता है हमारा क्रेजी घर के आजू बाजू भागता रहता है और मैंने कभी अंकल केन को भागते हुए नहीं देखा। बट आई डिड वन डे मीन्स वो एक दिन। मोहन एंड आई वॉज प्लेइंग मार्बल्स इन द शेड ऑफ मैंगो ग्रोव्स व्हेन वेयर द चेंजिंग अक्रॉस नहीं सॉरी टेक बैक बाय सिंगिंग ऑफ अंकल केन मीन्स सॉरी साइट ऑफ अंकल केन। तो उसका मीनिंग क्या है, मोहन और जब राइटर मार्बल्स खेल रहे थे तब अंकल केन गाना गाते हुए मीन्स थोड़ा सा गाना गाते हुए आए और वहां पर देखे उनके पास चेंजिंग अक्रॉस द कंपाउंड परचेस्ड बाय अ स्वार्म ऑफ बीज ही हैड बीन स्मोकिंग अ सॉरी सिगार। तो अंकल केन सिगरेट पीकर उन बीज के पास आए और वो जो धुआं होता है वो उनके पास गया मींस बीज के पास गया तो अंकल केन के पास बीज लग गए। अंडर अ सिल्क कॉटन ट्रीज एंड ही फ्यूम हैड डिस्टर्ब हिज वाइल्ड बीज एंड देयर हाइव डायरेक्टली अबाउ हिम अंकल केन फेल्ड इनडोर एंड लेप्ट इनटू अ टब ऑफ कोल्ड वाटर ही हैड रिसीव्ड अ फ्यू स्टिंग्स एंड डिसाइडेड टू रिमेन इन बेड फॉर 3 days। आई हैड टू हिज मील्स फॉर हिम ऑन ट्रे। तो इसका मीनिंग क्या है, वो अंकल केन जो सिगरेट पी रहे थे तो उसका धुआं बीज के घर में गया और फिर वो बीज ना बाहर आई और वो अंकल केन जो थे उनके पीछे पड़ गई और अंकल केन को तब मोहन और जो स्पीकर था उसने पहली बार भागते हुए देखा और तब अंकल केन भागते भागते एक ठंडी पानी के बकेट में जाकर अपना मुंह डाल दिया उसने। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो 3 दिन तक सिर्फ सोएंगे और फिर जब आया उनकी जो काम वाली थी वो खाना लेकर आई उनके लिए। तो अब फिर से दूसरा पैराग्राफ। आई डोंट नो अंकल केन कुड रन सो फास्ट आई सेड लेटर देन डे। तो जो स्पीकर था उसने बोला मुझे पता नहीं था कि अंकल केन इतना भी तेज भाग सकते। इट्स नेचर वे टू कंपनसेशन सेड ग्रैनी व्हाट्स कंपनसेशन। तो उन्होंने बोला वो नेचर के मींस अगर बीज उनके पीछे नहीं लगती तो वो कभी भागते ही नहीं और उन्होंने बोला क्या कंपनसेशन क्या। मेकिंग अप ऑफ थिंग्स नाउ एट लास्ट अंकल केन नो दैट ही कैन रन दैट वंडरफुल मींस अब अंकल केन को पता चल गया था कि वो भी भाग सकते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। इट इज हाई टाइम टू यू फाउंड अ जॉब सेड ग्रैनी टू अंकल केन वन डे। देयर आर नो जॉब्स इन देहरादून कंप्लेंड अंकल केन। तो ग्रैनी ने बोला अभी अच्छा टाइम है जॉब ढूंढने के लिए। तो अंकल केन ने बोला कि देहरादून में अभी कोई जॉब ही नहीं है। हाउ कैन यू टेल यू वेयर नेवर लुक फॉर वन जॉब एंड एनीवेयर यू डोंट हैव टू स्टे हियर forever your sister Emily is headmistress of a school in Lucknow। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम कि देहरादून में जॉब नहीं है, तुमने कभी देखा ही नहीं जॉब के लिए, कहीं गए ही नहीं तुम। तो ग्रैनी बोलती है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो हेडमास्टर है लखनऊ के स्कूल की। यू कुड गो टू हियर शी सेड बिफोर दैट शी वॉज रियली रेडी टू पुट यू इन चार्ज ऑफ डॉर्मेंट्री। तो उसने बोला कि वो तुम्हें डॉर्मेंट्री में रखने के लिए तैयार है। डॉर्मेंट्री मीन जहाँ पर छोटे बच्चे सोते हैं खेलते हैं वहां पर उन्हें 50 बच्चे को संभालना था। बा सेड अंकल केन हॉनेस्टली आंट यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू लुक आफ्टर अ
डोमेंट्री सीथिंग विथ 40 to 50 डिमेंटेड स्मॉल बॉयज। तो इसका मीनिंग क्या है, वो अंकल केन बोल रहा है कि मैं इतने सारे डॉमेंट्री में जाकर इतने सारे बच्चे को नहीं संभाल सकता। व्हाट्स डिमेंटेड आई आस्क, शट अप सेड अंकल केन, इट्स मीन क्रेजी कॉल्ड ग्रैंड। तो उसने पूछा डिमेंटेड मीन्स क्या, तो अंकल केन ने बोला कि शट अप। तो ग्रैनी ने बोला इसका मीनिंग है क्रेजी। तो जो राइटर था उसने बोला सो मेनी वर्ड्स मीन क्रेजी, आई कंप्लेन व्हाई यू डोंट वी जस्ट से क्रेजी, वी हैव अ क्रेजी डॉग एंड नाउ अंकल केन इज क्रेजी टू। तो उसने बोला कि क्रेजी का मीनिंग तो बहुत कुछ होता है, हमारे डॉगी का नाम भी क्रेजी है, अब तो अंकल केन भी क्रेजी जैसे कर रहे हैं। अंकल केन क्लिप्ड मी ओवर माय ईयर एंड ग्रैनी सेड योर अंकल केन इजंट क्रेजी, डोंट बी डिसरिस्पेक्टेड रिस्पेक्टफुल, ही इज जस्ट लेजी। तो राइटर ने बोला सॉरी ग्रैनी ने बोला अंकल केन ने उस राइटर के गाल पर मारा और बोला ग्रैनी ने बोला कि अपने अंकल केन के लिए डिसरिस्पेक्टफुल मत हो, वो क्रेजी नहीं है सिर्फ लेजी है। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे क्रेजी पना। तो आज का लेसन इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना।